अनुराग जी आप ही से शुरुआत कर लेते हैं, ये बताइए कि ये जो इलाका है ये नरेंद्र मोदी का गढ़ है, क्या कर लेंगे आप उनका, बीजेपी दावा कर रही है। देखिए पूर्वांचल हमेशा से समाजवादियों का गढ़ रहा है, समाजवादी विचारधारा के लोग पूर्वांचल में रहते हैं क्योंकि पूर्वांचली हमेशा विकास की राजनीति पर विश्वास करते हैं। पूर्वांचली हमेशा समाज में सद्भाव की बात करने वाले लोग होते हैं, सामाजिक न्याय की बात करने वाले। अगर इतिहास आप देखेंगे पूर्वांचल का तो पूर्वांचल ने हमेशा से, जैसे मैंने आपको बोला पहले भी रामानंद जी यहाँ पे हुए, रामानंद जी ने हमेशा समाज की सामाजिक न्याय की बात की। उनके शिष्य कौन थे, उनके यहाँ पे रहता थे, इसीलिए बता रहा हूँ कि हमेशा से गढ़ रहा है समाजवादियों को। इस बार जब 4 जून को 4 जून 2022 में हमारी 10-10 सीटें आजमगढ़ देखेंगे, 10 सीटें हम पूरी की पूरी जीते हुए। बनारस की लोकसभा की बात हो रही है, बनारस की भी आप देखेंगे तो हम लोग बनारस से लेके बनारस हुआ, यहाँ पे आजमगढ़ हुआ, 13 सीटों पर मतदान हुआ, चंदौली हुआ, एक भी सीट सपा के पास नहीं है। लेकिन अब आएगी, आप चिंता मत कीजिए, इस बार समाजवादी पार्टी 13 की 13 सीटें जीतने जा रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी को जनता लड़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का अपना मैनेजमेंट करती है, उनका मैनेजमेंट मीडिया मैनेजमेंट सुन लीजिए, मैं आपके लिए मीडिया मैनेजमेंट, वो जो मैनेजमेंट मीडिया को क्यों कहेंगे, परसेप्शन बनाते हैं। लेकिन हम जनता के साथ हैं, जनता हमारे साथ है, इनके जनता की असली आवाज तो हम लोग हैं मीडिया वाले, आप गौरव मिश्रा जी को माइक दीजिए। अरे जनता जनता इस बार इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है, ठीक है, देख रहे हैं जोश गौरव मिश्रा जी समाजवादी पार्टी का, मतलब पूरे जोशो खरोश के साथ चुनावी मैदान में। 2014 में भी यही जोश था, जनता इनको जिता रही थी, हरा दी। 2017 में भी वही हाल हुआ, 2019 में वही हाल हुआ, और सबसे बड़ी बात 2022 में इनको जनता ने जमींदोज कर दिया। और ये परिवारवादी गढ़ की बात करते हैं, इनको लोकतंत्र से क्या लेना है? लोकतंत्र को बंधक बनाने वाले, अपराध की नर्सरी चलाने वाले, थानों से गुंडई को सींचने वाले, उनको क्या पता समाजवाद क्या होता है, समता क्या होती है, न्याय क्या होता है? इन घाटों पर अपराध चलता था, ये जो घाट देख रही है, शीतला घाट पर बम विस्फोट हुए थे, दशाश्वमेध घाट पर बम विस्फोट हुए थे, गोदौलिया में बम विस्फोट हुआ था, संकट मोचन पे बम विस्फोट हुआ था, और वो वही आतंकवादी जिसने कराया था उसका मुकदमा वापस लेने का कुकर्म इनकी पार्टी ने किया था सरकार में। नाम तो बताइए। बिल्कुल सब पता है, आप गूगल करिए, सब वलीउल्लाह था, और कौन था, आप देखिए ना, तमाम पूरा आतंकवादियों को पूरी लिस्ट है, पूरी फेहरिस्त है, वो तो हाई कोर्ट है, माननीय उच्च न्यायालय है जिसने रोक लगा दी, सारी आप गूगल करिए, सब मिल जाएगा, आप निकल जाएगा, सारा लिस्ट निकल जाएगा। वो केवल केवल उस पर बात करने नहीं आए हैं, सब चीजों पर बात करने आए हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस समाजवाद की ये बात कर रहे हैं, जिस समता की ये बात कर रहे हैं, आज जिस माँ पतित पावनी माँ गंगा पर चल रहे हैं, उस पर आप अलकनंदा क्रूज की अभी चर्चा कर रही थी, ये प्रधानमंत्री जी की देन है, ये विकास का नमूना है, आज ये विकास की गंगा बह रही है। लेकिन इन लोगों के काल में जो 30,000 टेनरी का गंदा खून माँ गंगा में गिरता था, वो गंदा खून बहता था, आज वो सब समाप्त हो चुका है। हाँ, ये कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से बस इनसे इनका बोल बाला था। देखिए आप ज्यादा दूर मत जाइए, यहाँ BHU की घटना हुई ना, बच्ची के साथ अन्याय करने वाले कौन थे, ये बता रहे हैं ना कि यहाँ माफिया राज, माफिया में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है, BHU के अंदर में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, उस पे नहीं बोलेंगे आप किस पे बात कर रहे हैं? माँ गंगा क्या 2014 के बाद आई है क्या इस देश के अंदर में? माँ गंगा कब से है यहाँ पे बताइए, आप कब से यहाँ बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है बताइए, आप कब से तब से हैं, तब से हैं जब से ये माँ गंगा में 30,000 टेनरी का गंदा खून गिराते थे। और 2014 के बाद बताना चाहता हूँ, 2014 के बाद यहाँ पे लोग आए, 2014 के बाद यहाँ ट्रेन आई, जिसने घटना किया वो जेल में है, कुलदीप सेंगर जेल में है। अरे इनके नेता जी कहते थे कि 4 लोग मिलकर बलात्कार नहीं करते थे, अपने अन्याय किया, अन्याय हुआ कि नहीं हुआ बताइए आप, कमाल की बात कर लोग एक जाति विशेष के बताइए, उनका मुकदमा लगा लिखा गया, इनके साथ जाति धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं, मजहब विकास की बात कीजिए ना, आप बताइए रोजगार कितना दिया, रोजगार कितना दिया, रोजगार 2 करोड़ के हिसाब से कितना हुआ, अभी कितना हुआ 2 करोड़ के हिसाब से कितना हुआ, महंगाई महंगाई की नहीं नहीं अच्छा अच्छा महंगाई पूछ लो, उनको वकार साहब को दीजिए, वकार साहब को दीजिए, पूछ लूंगी, ये लोग बता कितनी महंगाई थी आपके शासन में बताइए, कितनी महंगाई थी, अच्छा जवाब मैं बता देता हूँ, अच्छा मैं जवाब दे दूँ, एवरेज दो आना किलो दाल हो गई है, जो 4 आना किलो 4 आना पे यहाँ लीटर मिलता है दूध का, अंतर में यहाँ पे 5 रुपए में दाल मिलती 5 किलो, सुनिए 10 रुपए में यहाँ डीजल पेट्रोल मिल रहा है लीटर, इनके हिसाब से इतना सस्ता हो गया, आप सोचिए, आप माइक उधर पकड़ाइए, अब क्या हो, देखिए जिस अजय राय को आप लोगों ने उतारा है चुनावी मैदान में सपा के सपोर्ट से, पिछले 3 बार से लगातार वो 3रे नंबर पर आ रहे हैं, इस बार ऐसा क्या बन जाएगा कि आपको लग रहा है कि वाराणसी में कड़ी और बड़ी टक्कर वो दे देंगे नरेंद्र मोदी को?
देखिए, हमारी पार्टी ने केवल एक चीज का सम्मान किया, वो इस भारत के संविधान की बात की है। विगत 10 वर्षों में एक पार्टी ने केवल हिंदू मुसलमान में उलझा के जो असली मुद्दे रहे हैं हमेशा भटकाने का काम किया है। जिस बनारस में आप हैं, अभी आपने पूछा क्या हाल है यहाँ की, तो अभी कुछ दिन पहले मतलब एनजीटी ने अपने एक सवाल में पूछा है इनके ट्रिब्यूनल से कि क्यों ना यहाँ पर जिस तरीके से आप सिगरेट के डब्बे पर लिखा जाता है कि इसका सेवन जो है कि डेंजरस है, तो क्यों ना यहाँ पर भी लिखा जाए कि इस पानी का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ये इस मुद्दे पर सवाल पर कोई बात नहीं होगी मैडम। हमको ये बताया जाएगा कि पता नहीं कौन बाबर और हुमायूं, तो औरंगजेब, तो खिलजी, तो खिलजी, तो पद्मावत। पिछले 12 साल में जिस तरीके से आपने देश को उलझाया, क्या ये शर्म की बात नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय छवि हमारी जिस तरीके से ध्वस्त हुई है, आज उसका जिम्मेदार है कौन? छोटे से राजनीतिक लाभ के लिए कि एक सत्ता मिल जाए, एक सीट मिल जाए, इस देश की ऐतिहासिक परंपराओं को धज्जी उड़ा के रख दी गई। आप इस पूरे शहर के हर मुद्दा पे मैं आपको लेकर आ रहा हूँ कि घर के अंदर जाके पता कर लीजिएगा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनसे पूछ लीजिएगा, अगर वाटर प्यूरिफायर घर के बिना, अगर घर में बिना वाटर प्यूरिफायर की जिंदगी किसी की यहाँ पर होगी तो वो यहाँ पर अपना हाथ उठा दे कि मैं नल का पानी पी रहा हूँ। पीने का पानी से बड़ी तो कौन सी सिविक एमिनिटी है, मुझे आप बताएं। आपके कुछ हुआ ही नहीं है बनारस में। मैं जो पूछ रहा हूँ वो मुझे बताएं ना, मैं इनके प्रवक्ता से पूछ रहा हूँ कि सिविक एमिनिटी है कि नहीं है, बताइए, माइक लीजिए, बताइए आप जो सवाल पूछे हैं जवाब दीजिए। आज साफ पीने का पानी मतलब जो है उपलब्ध नहीं है, और सुनिएगा, 14% हरियाली शहर से गायब हो चुकी है मैडम। टेम्परेचर जो देख रही है अभी, ये मई का अंत है, 14% हरियाली, ये बड़े बड़े पेड़, ये जो सिर्फ दिल्ली में तो 52% हुआ पड़ा है, तो हर जगह की वही स्थिति है। आपने भी अजराया है और आपने अजराया मोदी के लिए किया है। टेम्परेचर के लिए मोदी जिम्मेदार है, मैं बनारसी हूँ, मैं भारतीय, नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, एकदम है, ये कह रहे हैं मोदी जिम्मेदार है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, मोदी जिम्मेदार है, हु एल्स इज टू बी ब्लेम मैडम। तो आप कह रहे हैं कहां ले जाएंगे हम अपनी गुहार, किससे लगाएंगे? मैं जवाब ले लेती हूं, मैं अपने सांसद से नहीं पूछूंगा तो ये सवाल किससे पूछूंगा? मैं पूछती हूँ सांसद के प्रतिनिधि से, बताइए उन्होंने जो पीने का पानी गिना रहे हैं कि नहीं है, ट्रैफिक व्यवस्था इनको 1 घंटे लग गए आने में, सब बताता हूँ, पीने का पानी और ट्रैफिक, पीने का पानी और ट्रैफिक, ठीक है, काशी में, माइक जिसके काशी का अधिकृत डेटा बता रहा हूँ, 1.5 लाख से अधिक घरों में नल से जल गया है, और ये दोनों लोग किस कारण एक साथ हैं जरा बताइए, तो उनके लिए, इनके लिए वो चिरकुट विरकुट थे, चिरकुट विरकुट थे, और इनके लिए अखिलेश अखिलेश थे, इनकी मजबूरी इनको साथ लाई है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूँ, इनका भय इनको साथ मिलाया है, लेकिन लेकिन आप जो पीने के पानी की बात कर रही हैं, आज मोदी जी ने 14 करोड़ से अधिक घरों को नल से जल दिया है, जो माताएं बहनें दूर दूर से लाती थी पानी और थक जाती थी, आज उनको जीवन देने का काम मोदी जी ने दिया है, पानी जा रहा है घरों के अंदर, सीवर के पानी मैडम, झूठ बोल रहे हैं क्या? लगा है, आप क्या बात करेंगे? आप समझ नहीं पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो क्या कह रहे हैं आप, क्या बात करेंगे? अरे सुनिए, अरे सुनिए, सुनिए, आप क्या बात करेंगे? अरे सुनो, कितना बनारस, सुनो सुनो सुनो, बनारस सुनिए, ये सही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अब पानी एकदम, मैं भी आया हूँ ना भाई साहब, जैसे ही मैंने नल का पानी खोला ऐसा लग रहा है जैसे एकदम स्वच्छ पानी, माने कोई प्यूरिफिकेशन की जरूरत नहीं भाई साहब, क्या रोड, मैं जैसे पैर रखा स्लिप करता हुआ चला गया, शासन काल में तो पानी आता ही नहीं था, मुझे 80 घंटा आना था, बदले सड़कों पर खून बहने में आ गया, सड़कों पर खून बहने में आ गया, मैं दंगा कराने वाले 7.5 हजार से अधिक दंगा कराने वाले, उनको आज पानी याद आ रहा है, रोड इतनी बढ़िया, आज महंगाई याद आ रही है, जब हजारों करोड़ सफाई में लुटाते थे तब महंगाई नहीं याद आती थी, 1 घंटा 3 किलोमीटर आने में सफाई में लुटा रहे थे, नाच करा रहे थे, तब सफाई नहीं, तब राघवेंद्र जी अब सीधे आपके पास आते हुए, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि पूर्वांचल हो चाहे बनारस हो कोई विकास का कामकाज किया नहीं, ये गिना रहे हैं कि पीने के पानी की यहाँ पर किल्लत है, और दूसरा सवाल कि ट्रैफिक जाम इतना ज्यादा हो रहा है। देखिए चित्रा जी, झूठ बोलना चाहिए ठीक है, लेकिन गंगा नदी में खड़ा होकर झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल सही, गंगा नदी में खड़ा होकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। 2012 से 2017 तक पूर्ण बहुमत की सरकार थी, जरा हमको 5 परियोजना बता दे मुख्यमंत्री जी बनारस में आके किए हों, आज जो ये घाट दिख रहा है, चाहे वो 80 घाट से लगाए और 10 अश्वमेध घाट तक, ये जो आपको दिख रही है चमचमाहट, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की देन है, ये जो पर्यटक दिख रहा है ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की देन है, ये पीने की पानी की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी के शासनकाल में ट्रेन लौटा दिया जाता था झांसी से, आज वही झांसी, वही महोबा, वही ललितपुर, हर घर पानी पहुंच रहा है। बनारस तो चूंकि गंगा के बगल में है तो यहाँ तो पानी की दिक्कत ही नहीं है, बाकी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां बीजेपी और एनडीए जीत ना रही हो। 80 घाट से हम लोग कार्यक्रम शुरू किए हैं, और यूपी की 80 सीट नरेंद्र मोदी जी के खाते में जा रही है, और इस बार पूरा मुद्दे पर
किस मुद्दे पर? हाँ, ये पूछ रहे हैं किस मुद्दे पर क्या है अभी? हाँ, तो अभी तो ये वो कह रहे हैं बाबर आजम इन लोगों को लेकर आते हैं, आप लोग हिंदू मुसलमान करते हैं चुनाव, पहले चरण का चुनाव हो गया, दोस्ती नहीं बन पाई। ये जो हमको दिखा दे कि पहले चरण के पहले दोनों जो यूपी के लड़के हैं कोई सभा किए हो, नहीं कर पाए। अब 4 तारीख के बाद क्या होगा? 4 तारीख के जब 12 बजेगा, 12 के बजने के बाद आप देखिएगा एक दूसरे पर आरोप लगाएं, हमारी भूल थी कांग्रेस के साथ। 4 तारीख के 12 बजे किसके चेहरे पर 12 बजेगा? नहीं, वो तो पता है। हाँ, वो तो पता है। वो कह रहे हैं आपके चेहरे पर 12 बजे 4 तारीख। उनको इसलिए मालूम है क्योंकि वो सरकार की चाय इनके नेता पीते हैं, तो जो सरकार बनती है वहीं चले जाते। पहले तो गरियाते हैं, जी भर के गरियाते हैं। योगी जी को क्या क्या बोलते थे राजभर, आपको याद ही होगा। मोदी जी को क्या क्या इन्होंने बीजेपी को याद होगा। तो जैसी सरकार नहीं बनी तुरंत दौड़ के वहां पे पहुंच गए। तो चचा जो है, जो इनके जो लीडर है चचा, वो सिर्फ सत्ता के साथ रहते हैं। अगर नहीं जीते भाई देखो, फिर तुरंत इधर आ जाएंगे। वो तो पलटी मारते रहते ना इधर उधर, वो गुलाटी मारते रहते हैं इधर उधर उधर से इधर, और पता यही नहीं पता था है किधर, कई बार बीच में अटक जाते हैं। तो दिक्कत यह है कि उनको मंत्री बनाने के लिए पता नहीं हमेशा डेट देते रहे, अब की बन जाएंगे। घोसी गए, घोसी में कह रहे थे यार घोसी में चुनाव हो रहा है, वहां घुस गए, बुरी तरह से वहां समाजवादी जीती। अरे अनुराग जी, ये मत भूलिए कि जहां आप हैं ये मोदी जी का गढ़ है। अब मोदी जी कुछ अपना नेता का बताओगे कि अपना नेता का बताओगे कुछ? योगी जी के गढ़ में अपना नेता का बताओ। आपको अखिलेश यादव जी को सीट जिताने का देने का अगर किसी में जज्बा है तो इस पीले गमछे में, अच्छा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में जीत जाइएगा। घोसी जीते कि नहीं जीते? जीत जाइएगा। आप तो विरोध कर रहे थे घोसी में, 50,000 वोट से हार गए। अभी आप ईवीएम का नाम लेने लगे, ईवीएम का नाम लेने लगे, आप परेशान हो गए। घोसी जीत रहे हैं, आप कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गया। आप हारे कि नहीं हारे उपचुनाव? इनके लिए बस ये है, इनके लिए बस ये है कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, वापस चले जाएंगे। समाज चला वही वापस आ गए। समाजवादी पार्टी के पास कोई जनाधार नहीं रहता है। 111 सीटें कैसे जीते ये लोग बताइए 2022 के चुनाव में, ठीक है? नहीं, लेकिन अनुराग जी एक हाँ बनारस के मुद्दे पर रहते हैं। एक और सवाल है अनुराग जी आपसे, देखिए जिस जगह पर हमारी मौजूदगी है, सालों से अगर 2004 का चुनाव छोड़ दे तो लगातार बीजेपी का दबदबा यहाँ पर रहा है, और अब तो नरेंद्र मोदी को चुनने का चुनाव है। दूसरा सवाल ये है कि पिछली बार आप लोग बीएसपी समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर भी, बीएसपी का अपना एक मजबूत वोट बैंक रहा है, जब उसके साथ मिलकर भी आप इनको मात नहीं दे पाते हैं बीजेपी को, तो इस बार क्या कर लेंगे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी? 2017 आया था रिजल्ट। इस बार चित्रा जी जनता चुनाव लड़ रही है, दर्द इन्होंने जनता को दिया। कौन सा वर्ग, जिसको दर्द नहीं दिया? छात्र जिनका पर्चा लीक होता है वो बेचारे परेशान है। युवा बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा है। जहाँ क्यूटो बनाने की बात थी वहाँ टोटो चल रहे हैं आज युवा, उसमें यूथ देखिए आप कैमरा घुमा दीजिएगा। इन्होंने बात की थी किसान के लिए, किसान आज वो बेचारा धरने पे देता रहता है। किसान 7 साल तक धरना देता है। अरे आप इसके बाहर जाएंगे तो ना किसान खुश है, चित्रा जी को शांत कराइए, न युवा और महिलाओं को आपने बता दिया बीएचयू की घटना। आप बताइए कौन सा वर्ग है जो इनसे खुश है? लेकिन क्यूटो बात ही नहीं करेंगे क्यूटो, अगर ये बात कर दें पूरा हमारा डिबेट खत्म हो जाएगी। महंगाई बेरोजगारी पे बात कर दें तो जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। हाँ, जवाब और ये पूछेगा, नहीं नहीं उनसे जरूर पूछेगा, ये बोलेंगे ना बगल में, नहीं 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 ये पूछेगा महंगाई दर बताएंगे। तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि मूंग दाल के अब 2 आना किलो बिकने लगी है क्या? नहीं नहीं, डीजल पेट्रोल क्या 5 रुपए लीटर हो गया क्या? आप ही एंकर बन गए हैं, जवाब दीजिए उनके आरोप। देखिए जो टोटो चला रहे हैं इसी काशी के अंदर, वो किसी माँ बहन का चेन नहीं स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, वो अपना परिवार चला रहे हैं, वो भी सम्मानित नागरिक हैं, वो भी रोजगार प्राप्त किए हैं, क्योंकि फुटफॉल काशी के अंदर 12 करोड़ से ज्यादा हुआ है, और 12 करोड़ जब लोग आते हैं तो एक इकोसिस्टम, इकोनॉमिक इकोसिस्टम तैयार होता है, और वो काशी में सर्वत्र देखा जा सकता है। चाहे आप घाट पर भी देखेंगे, दिया बेचने वाला हो, फूल बेचने वाला हो, मिठाई बेचने वाला हो, रेस्टोरेंट हो, होटल हो, एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था खड़ी होती है। केवल अयोध्या और काशी की हम बात करें तो 1,00,000 करोड़ की व्यापारिक अर्थव्यवस्था खड़ी हुई है। केवल बनारस का 60% से ज्यादा जीएसटी गवर्नमेंट को गया है। आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है उत्तर प्रदेश। ये कौन सी बात कर रहे हैं? मैं नहीं, सुन लीजिए मेरा पूरा जवाब सुन लीजिए। और ये पानी की बात कर रहे हैं। बुंदेलखंड में 48 किसानों ने पानी के बिना सूखे से आत्महत्या कर लिया था। 23-23 रुपए का चेक दिया था इन लोगों ने, वो भी अपने पार्टनरशिप वाले कार्यकर्ताओं को दिया था, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लखनऊ से चल रही थी ना, उसको अपने। अरे कब तक उन्हीं की कमियां गिनाते रहेंगे, अपनी उपलब्धियां भी तो बताइए। हाँ, बिल्कुल गिनाएंगे हम अपनी अच्छाई भी गिना रहे हैं, हम अपनी अच्छाई भी गिरा रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार ने जो रिकॉर्ड नौकरियां दी हैं उसके आसपास भी ये नहीं है। 24 घंटे बुनकर को बिजली मिलती है, 24 घंटे 24 आवर।
और सर्वाधिक प्रधानमंत्री आवास योजना। लेकिन बिजली तो महंगी कर दी है ना, बुनकरों के लिहाज से बिजली तो महंगी हो गई है। डीजल जला रहे थे वो सस्ता था या बिजली सस्ती है महंगी है, आप ये बताइए। 24 घंटे डीजल जलता था, नॉइस पोल्यूशन होता था, हवा में पोल्यूशन होता था, इससे ज्यादा खर्च होता था, और आज 24 घंटे बिजली जल रही है। सबसे बड़ा ट्रेड फैसिलिटी सेंटर ने यहाँ पर रिकॉर्ड बेहतरी की है व्यापार में, चाहे वो भदोही का कानून उद्योग हो या काशी का साड़ी व्यापार हो। आज साड़ी ऑनलाइन भी विदेशों तक जा रही है, और लोग भी आ रहे हैं तो खरीद रहे हैं। नहीं, आपने पहली बार बनारस की साड़ी कब खरीदी थी? अरे मैंने आज ही खरीदी है, मतलब 2014 के पहले भी थी ना बनारस की साड़ी। सुनिए, आपकी साड़ी जहाँ से जाती है कैसे हो सकता है? जरा जवाब ले रहे, उन्होंने नया प्रतिष्ठान पहले आने के बाद खोला। अभी शायद एक हफ्ता दो हफ्ता पहले आप कही है चौथा, उस पर एक जो साड़ी के जो सबसे प्रमुख है आपका समिति है, आप शैलेश जी की, उन्होंने बताया और आपके ही उस पर बताया, और आपका लाइव शो था वो, और ये आंकड़े हैं। आप भी, क्योंकि हम लोग सिर्फ आंकड़े की बात करते हैं, ये इतिहास बांचना और 100 साल पहले 400 साल पहले नहीं, वर्तमान 2024 में खड़े आज की बात होगी। 98% माल जो साड़ी का बनारस में बिक रहा है, 98% जो कि उनका दावा है, दैट इज ऑल इम्पोर्टेड फ्रॉम गुजरात, वहां से आता है और यहाँ की मंडी में बिक रहा है। यहाँ पर 2% अपने साड़ी की, जो अपने जो हाथ से बिनने वाले थे, 2% बचे। मैडम आप चाहिएगा तो ये आंकड़े भी सारे आपके सामने रखे जाएंगे। अब दूसरा सवाल है, अब एक इस पर भी आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, जैसे कि फैक्ट्रियां होती होंगी, आप जानती होंगी। यहाँ पर दो मतलब इंडस्ट्रियल एरिया है, रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया फेज वन फेज टू, पर यहाँ पर आपका ये है। हम लोग उद्यमी है, कितने सालों से देख रहे हैं, जो उम्मीद थी, जो परसेप्शन जो आपने जो मतलब क्रिएट किया था, इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई थी मैडम, सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है, सुविधा नहीं है। गुजरात और बॉम्बे से माल लाकर यहाँ पर मैन्युफैक्चरर आज की डेट में ट्रेडर बन चुका है, उसको ये पता है कि अब हम उसके लायक बचे नहीं है। ठीक है, आपने जो सुविधा दी है प्राइम मिनिस्टर, तो कुछ तो आपकी जो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी थी।